हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में और कॉन्शियसनेस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में। उसमें हमने ये देखा था कि ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो आपके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, वो उसके डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फीचर नहीं थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड किया जाता है लिविंग वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल क्या है? आपके केमिकल्स। मतलब हमारी बॉडी एक केमिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी बॉडी एक केमिकल का स्ट्रक्चर ही है जो इंटीग्रेटेड है आपस में। जैसे आपकी जो सेल है, सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड प्रोटीन की बनी है, उसमें कुछ कुछ ओलिगोसैकेराइड भी हैं। आपकी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। आपकी सेल की करेंसी है एटीपी, जिसमें फॉस्फेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सिंपल क्या है? केमिकल है। इवन बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है उसमें आप जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं कभी कभी आपको कॉम्प्लिकेटेड भी फील होते हैं। तो एक्चुअल में हमारी पूरी बॉडी केमिकल से ही बनी हुई है। अगर हम इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, आपके लिपिड्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, हॉर्मोन्स हैं, सब आपके क्या हैं? केमिकल्स हैं। और उन सभी के बीच में इंट्रैक्शन होते हैं और उस इंट्रैक्शन की वजह से हमारी सेल क्या करती है? फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन फिर भी बायोलॉजी एक अलग तरीके से डिफाइन करती है उन सबका इंट्रैक्शन होना और फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना जो एनवायरनमेंट को लेकर क्या होगा? कॉन्शियस होगा, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, मतलब सिंपल फॉर्म से बायोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज होते हैं। जैसे सिंपल फॉर्म से किसी मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज होना कहलाता है आपका एनाबोलिज्म, और अगर वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज होता है तो वो कहलाता है कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलिज्म। जैसे हम सिंपल ऐसे समझे कि आपने सुबह नाश्ता किया होगा या खाना खाया होगा, तो जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके स्टमक में क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स आपके स्टमक में डाइजेशन करते हैं और कुछ डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन में भी पूरा होता है। लगभग डाइजेशन इंटेस्टाइन में ही पूरा होता है। इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन भी होता है। अब्जॉर्प्शन के बाद आपने जो भी फूड खाया उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे। ब्लड में से वो आपके टिश्यू में जाएंगे। टिश्यू में रिक्वायर्ड है उनको दे दिया जाएगा, जो भी एक्सेस में है उसको स्टोर कर लिया जाएगा। प्रोटीन स्टोर नहीं होता, इसको रोज लेना होता है। तो आपकी बॉडी की हर सेल किस पर डिपेंड है? बायोमोलिक्यूल्स पर डिपेंड है। बायोमोलिक्यूल्स किसके थ्रू बनते हैं? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली बात है किसमें होंगी? केमिकल्स में होंगी। तो इसका मतलब है कोई भी सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर आपकी यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही सेल में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होना एसेंशियल है। मेटाबॉलिज्म के बिना कोई सेल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप अगर सेल के बारे में एक सिंपल सी टर्म जाने, सेल के लिए माना जाता है कि नेचर में अगर कोई बहुत एफिशिएंट मशीन है, ऐसा हम पढ़ते हैं ना कि मशीनरी जो हम बनाते हैं, इंजन हम बनाते हैं, तो नेचर में सबसे एफिशिएंट मशीन किसको माना जाता है? सेल को। जिसके लिए बोला जाता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी क्या नहीं करती? वेस्ट नहीं करती। तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, हम प्रोटॉन को भी डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ही हो रही हैं। तो आपके जितने भी सेलुलर फॉर्म है, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म, हर किसी में क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम ये मानेंगे जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर है किसका? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन फिर भी मैंने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिखा। इसका रीजन क्या है? इन विट्रो रिएक्शन का मतलब है कि आप कभी केमिस्ट्री लैब में अगर जाते हैं तो वहां पर आप सिंपल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज को माने तो ग्लूकोज को एक केमिस्ट, जो आपके केमिस्ट्री लैब है उसमें क्या माना जाएगा? केमिकल माना जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर हम उसको क्या पढ़ते हैं? बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं। इवन ग्लूकोज को ड्रग भी डिसाइड किया गया है। ग्लूकोज क्या मानी जाती है? ड्रग मानी जाती है। जो केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म की जाती हैं वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होती हैं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विट्रो रिएक्शन, इन विट्रो। विट्रो वर्ड यूज होता है ग्लास के लिए।
अब टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन होगी, तो मान लो आप टेस्ट ट्यूब में कोई एंजाइम यूज करते हैं और वो एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में काम आ रहे हैं, और ये सेम प्रोसेस आपके स्टमक में भी होता है, लेकिन ये स्टमक में कैसे रिएक्शन है आपके, बायोलॉजिकल रिएक्शन मानते हैं, मेटाबॉलिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सेम ये रिएक्शन आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, तो क्या टेस्ट ट्यूब लीविंग है? टेस्ट ट्यूब लीविंग नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो लीविंग है, लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाली रिएक्शन लीविंग होते हुए भी टेस्ट ट्यूब को क्या नहीं बनाती, लीविंग नहीं बनाती। इस वजह से वैसे इसका ज्यादा कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इस टर्म में इसको स्टडी किया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, कि जो भी आपकी सेल अर्थ पर एग्जिस्ट करेंगी उनमें मेटाबॉलिज्म जरूर होगा। अगर किसी सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो वो डेड है, वो उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन वायरसेस का एग्जाम्पल भी है कि वायरस जो है वो बॉडी से बाहर क्या है, इनएक्टिव है, बॉडी के अंदर क्या है, वो एक्टिव फॉर्म में है। तो आप इसमें ये सिर्फ ये समझ लें कि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं या सिंपलर स्ट्रक्चर बनते हैं, वो हर सेल को परफॉर्म करने होंगे अगर उसको अपने आप को लिविंग फॉर्म में रखना है। लेकिन मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। इसके एक्सेप्शन क्या है कि आपकी जो लिविंग रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर होती हैं, हम उनको टेस्ट ट्यूब में भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और टेस्ट ट्यूब में ये लिविंग रिएक्शन होने के बावजूद हम टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं मान सकते। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है जो करेक्टर से भी आगे आ गया, कि जो होना बहुत जरूरी है। लेकिन वायरस वगैरह अगर हम देखें तो वायरस जो है उनमें बॉडी से बाहर मेटाबॉलिज्म है ही नहीं, बॉडी से बाहर वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। वायरस को कनेक्टिंग लिंक माना जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप मेटाबॉलिज्म से ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन होंगी आपकी बॉडी के अंदर वो एक कंपार्टमेंट के अंदर होंगी, और सेल क्या है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगी उसमें सेल होना जरूरी है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, उसी के अंदर सारी रिएक्शन परफॉर्म होती हैं। और ये हम पढ़ चुके हैं कि आपकी जो सेल होती हैं वो काफ़ी एफिशिएंट मशीनरी हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने भी उसमें मेटल आयन हर किसी को क्या करती हैं, यूटिलाइज करती हैं। अब हम बात करते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आपके एनवायरमेंट के आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में पता होना सके। जैसे प्लांट है, प्लांट के बारे में हम सिंपल जो सबसे बेसिक टर्म जानते हैं फोटोसिंथेसिस जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, ये आपको पता है कि सनलाइट अगर है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। इसी तरीके से अगर क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है उसमें पिगमेंट, और वो किसके लिए कॉन्शियस है, जो क्लोरोफिल है वो किसको फील कर सकता है, सनलाइट को फील कर सकता है। तो प्लांट क्लोरोफिल के थ्रू किसको सेंस करते हैं, सनलाइट को। इसके अलावा जो प्लांट की रूट है वो किसकी तरफ मूव करती हैं, वाटर की तरफ, साथ में वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं। प्लांट की रूट हमेशा कहाँ होती है, नीचे की तरफ। आप चाहे प्लांट का सीड सोयल में किसी भी तरीके से इम्प्लांट करें, उसकी रूट हमेशा कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। तो उस कंडीशन में जो भी उसके आसपास चेंज होते हैं, चाहे वो ग्रेविटी है, वाटर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, उसके लिए जो अवेयरनेस है उसमें, वो किसका है, एक लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कि जो भी लिविंग होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी जरूर होगी। इसका मतलब आपको जब भी कोई टर्म डिफाइन करनी होती है और उसमें आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर रहे हैं, मान लो आपको हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक ऐसी टर्म देनी है कि सब उसमें खुश हो जाएं कि हाँ मुझे भी डेफिनेशन मिल गई, मुझे भी डेफिनेशन मिल गई। अब जैसे हम सिंपल बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, तो बैक्टीरिया जो है उसने बोला कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उसके लिए सेम टर्म थी, लेकिन कॉन्शियसनेस उसमें भी है, तो बैक्टीरिया भी खुश है कि हाँ मुझे भी डिफाइन कर देगा, मैं भी लिविंग हूँ। प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, तो उनको भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि उन सब में क्या होगी, कॉन्शियसनेस जरूर होगी। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने एनवायरमेंट के आसपास अवेयरनेस जरूर रखेगा, मतलब एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट उस पर दिखाई देता है और साथ में उसको फील भी कर सकता है। जैसे मान लो हम सिंपल सा एक टर्म समझें कि आप किसी प्लांट को सनलाइट से दूर ग्रो करके देखें, कि आपके घर में जो भी प्लांट वगैरह होते हैं आप उनको थोड़ा दूर रख दें जहाँ पर सनलाइट ना पहुँचे, तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे उनकी जो भी स्टेम होगी उनकी ग्रोथ जहाँ से भी सनलाइट आ रही होगी उस डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब उसमें सेंसिटिविटी किसके लिए है, लाइट के लिए। उसके अलावा आपने
छुई मुई पौधे का नाम सुना होगा, मिमोसा जिसको बोलते हैं, कि उसकी तरफ आप हाथ करते हैं, टच करते हैं तो अपने आप को श्रिंक कर लेता है। तो उसमें टच के लिए क्या है, सेंसिटिविटी है। तो कॉन्शियसनेस को आप सेंसिटिविटी, एनवायरनमेंट अवेयरनेस इससे रिलेट कर सकते हैं, ये हर किसी में पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें जो ह्यूमन है उसको लेके थोड़े से डाउट हो जाते हैं। आपके नेचर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियस हैं, इवन उनके जो बिहेवियर होते हैं, सीजनल जो बिहेवियर होते हैं वो भी एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट किए जाते हैं। जैसे तो फिश वगैरह होती हैं, मछलियाँ जो होती हैं, उनमें जो ब्रीडिंग है वो आपकी मून लाइट को लेकर होती है। वो मून लाइट जो होता है आपका, जैसे आपका 15 डेज घटता है लूनर जो सिस्टम है और 15 डेज बढ़ता है, हम चांद के बारे में जैसा बोलते हैं, तो उस पर उनका डिपेंड करता है। तो आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पाए जाते हैं वो एनवायरनमेंट के किसी ना किसी फैक्टर को लेकर कॉन्शियस होते हैं, यानी अपने बारे में ह्यूमन बींग सेल्फ अवेयर हैं। जैसे आप एक पर्टिकुलर एज के बाद मिरर में देख को खुद को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको हमेशा जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप ये कॉन्शियस रहते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं बोल कैसे रहा हूँ, तो आप खुद के बारे में अवेयरनेस है आप में। लेकिन बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता कि आपने कभी ऐसा देखा हो कि आप जंगल में कभी जाएं और लायन टाइगर देखें कि वो महसूस कर रहे हो कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअल में वो सिर्फ कॉन्शियस होते हैं कि उनके आसपास कोई कंपटीशन में तो नहीं है, उनका फूड कहाँ पर अवेलेबल है, अभी उनको रेस्ट करना है, प्रिडेशन के लिए जाना है। लेकिन ह्यूमन बींग कैसा है, वो खुद के लिए अवेयर है कि मैं कौन हूँ, मेरा मोटिव क्या है, ये सब उनके पास होते हैं। लेकिन आप एक लायन या टाइगर की टर्म में समझो तो उनमें सिंपल नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि वो किस पर फीड करेंगे, जो भी आपके हर्बीवोर उन पर फीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन ह्यूमन ने सारी कोशिशें की हैं कि नेचर में हम क्यों आए, हमें क्यों बनाया गया, हमारे आसपास क्या है, बाकी प्लेनेट पर क्या हो रहा है। जैसे आजकल हम सुनते भी हैं कि काफ़ी सारी जो आपकी एक दो कंपनी ऐसी भी हैं, काफ़ी बिग कंपनी ऐसी भी हैं जो मार्स पर मिशन के लिए तैयारी कर रही हैं कि मार्स पर भी जा सकता है। इवन चाइना ने तो आपके लूनर रीजन पे, सॉरी मून पर राइस प्लांट को ग्रो करके भी देखा है, और वो ये भी कहते हैं कि हमने वहाँ पर जो राइस ग्रो किए उनमें कुछ अच्छी म्यूटेशंस भी आई हैं। अब ह्यूमन बींग सेल्फ अवेयर है तो इसके लिए कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना थोड़ा डिफरेंट है, मुश्किल भी है। जैसे आप ऐसे समझें कि कोई कोमा में है। अब हम ऐसा माने कि कोई कोमा में है, कोमा की भी ऐसी सिचुएशन के डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि वो उस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उस कंडीशन में उसके जो ऑर्गन है वो लाइफ सपोर्ट पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब हम उसको ब्रेन डेड मान चुके हैं कि वो कभी नहीं उठेगा और ना ही कभी वो आपसे बात कर पाएगा। उसमें आसपास उसके क्या चेंज हो रहा है उसके लिए उसमें कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग? अब आप कहें कि नॉन लिविंग है, किस टर्म में कह रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन उसके ऑर्गन सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके सारे सेल में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, वो जिंदा है अभी। तो उस टर्म में इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल आ जाता है जब हम ह्यूमन की बात करते हैं। तो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बोला था कि लाइफ को डिफाइन करना या लिविंग को डिफाइन करना एक ब्रॉड टर्म है, इसमें हर किसी के लिए डेफिनेशन क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर करैक्टर ऐसा है जो ज़्यादातर सभी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है डिफाइन करने में। तो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में एक ऐसा करैक्टर है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये उसके हमने कुछ एक्सेप्शन के बारे में देखा था। तो अभी तक जो भी हमने इसके डिफाइनिंग फीचर के बारे में पढ़ा, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, तो कॉन्शियसनेस हमें एक ऐसी टर्म मिली है जो ये बता सकती है कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनती है किसी लिविंग सिस्टम की। मतलब एक होता है ना कि आप एक टर्म यूज़ करें जो 10 ऑर्गेनिज्म को कवर कर रहा है, एक आप टर्म यूज़ करें जो लगभग हर ऑर्गेनिज्म को कवर कर रहा है विद फ्यू एक्सेप्शन, तो उसके लिए वो टर्म कौन सी है, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस आप बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक हर किसी को डिफाइन करने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ रिप्रोडक्शन है वो हर किसी को डिफाइन करने में यूज़ नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम इसको मेनली सिर्फ इन विट्रो ग्लास में जो रिएक्शन होती है उसके टर्म ने हमें इसको क्या नहीं बनने दिया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बनने दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवोल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पोंडिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्चुअल में
ये लाइन एज सच आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हम सिर्फ उसको अब समझने की कोशिश करेंगे जो हमने पहले पढ़ा उससे रिलेट करके। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि सेल डिवाइड करेंगे माइटोसिस के थ्रू अगर ग्रोथ करना है, और मियोसिस के थ्रू अगर क्या करना है उनको गैमेट फॉर्मेशन करनी है। इवोल्विंग, इवोल्विंग का मतलब होता है चेंज होना, जो भी आपका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ उसमें टाइम के साथ क्या होते रहते हैं, चेंजेज आते रहते हैं, उसके पास जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसमें चेंजेज आते रहते हैं। तो एक नई स्पीसीज का बनना या उसमें नए नए प्रोसेस टाइम के साथ बनना, वो है इवोल्विंग। सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब है हमारी जो सेल होती है वो कैपेबल होती है अपने प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल का जाता है, जैसे आप लोअर फॉर्म्स में नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट नहीं पढ़ते, हम पोरीफेरा वगैरह का जब देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हायर फॉर्म्स में जाते हैं तो वहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या है, सिस्टमेटिकली क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो जो रेगुलेटिंग यूनिट है वो आपकी सेल से शुरू होती है। तो जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है जिनमें चाहे नर्वस सिस्टम नहीं है, उनकी जो सेल्फ है वो खुद को रेगुलेट कर सकती है, उसको कब डिवाइड करना है, कब उसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन करनी है, अगर हम फंगस की, एल्गी वगैरह की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, कब वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी उनके चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे वो सेंस करती है, वो सिर्फ उनके सेल के सिस्टम पर डिपेंड करता है। इंट्रैक्टिव सिस्टम, इंट्रैक्टिव सिस्टम का मतलब है कि आपकी सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन दूसरे के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसका मतलब उनके आसपास जो भी चेंज होता है, मान लो टेम्परेचर में है चेंज, लाइट में है चेंज, एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई चेंज है, उनको कोई साउंड मिलती है, उन सब साउंड या जो चेंजेस हैं उनको परसीव करके उसके अकॉर्डिंग चेंज शो कर सकते हैं। तो अगर आप लिविंग को कंप्लीट डिफाइन करना चाहते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हैं जो रेप्लिकेट करते हैं, इवोल्व करते हैं, जिनका सिस्टम क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटेड है, और साथ में जिनके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हुए जो भी आसपास एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा उसके साथ क्या करेंगी, आपका रिस्पॉन्स शो करेंगी। तो ये एक लिविंग की कंपाइल करके डेफिनेशन है। बायोलॉजी के लिए बोला जाता है, बायोलॉजी जो है वो स्टोरी है, एक कहानी है किसकी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब आपकी अर्थ पर जो लाइफ बनी कैसे वो इवोल्व हुई, कैसे कैसे वो नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गए। जो भी हमारा पास्ट है, हमारा जो फ्यूचर होगा और आज जो प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सब किस पर डिपेंड करता आया है, कि सेल के अंदर कैसे इंट्रैक्शन टाइम टू टाइम चलते रहे, हमारी अर्थ पर कैसे टाइम चेंज होता रहा, मिलियन ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था, बिलियन ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था। जैसे आप अभी भी सुनते हैं कि कुछ टाइम बाद अर्थ पे वाटर का लेवल इतना होगा, ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल इतना होगा, ये आपको चेंज इवन आपको अपीयर होना भी शुरू हो गए हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, इवन आज के टाइम में भी इंडिया में भी जैसे उत्तराखंड वाला रीजन है वहाँ पे आपकी नेचुरल डिजास्टर क्या हो गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो जो भी आपके एनवायरनमेंट के चेंज हैं वो नेचर में भी अपीयर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे कोविड के बाद लाइफस्टाइल लोगों की कैसे चेंज हो गई, तो कोविड क्या है, एक नेचर का फैक्टर है जो टाइम के साथ क्या हुआ है, बना है, और जिसने हर किसी को क्या किया है, इफेक्ट किया है। तो यही लिविंग सिस्टम है, यही अर्थ का इवोल्यूशन है या लाइफ का इवोल्यूशन है। तो आप बायोलॉजी को हमेशा रिलेट करके पढ़ें, आसपास जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं, जो भी आपके आसपास घटनाएं होती हैं, आप उनको जितना रिलेट करेंगे आप किसी भी कॉन्सेप्ट में उसको रिलेट कर सकते हैं, आपको समझने में उतनी ही आसानी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ साथ में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे इस चैप्टर को पढ़कर देखें ताकि आपको कोई डाउट उसमें लगे तो आप पूछ सकें।